सो गुड मॉर्निंग गाइज, मेरी बीवी धोने जा रही है पोटी और मेरा बच्चा फ्लर्ट कर रहा है अपनी मौसी से, पता नहीं क्यों कर रहा है। आज के लिए दो अपडेट्स हैं। एक पहली चीज ये है कि आज स्वाति जी जाने वाले हैं, और सेकंड अपडेट ये है कि बेबी को, अंकिता को, मुझको, आपको भी जुकाम हो रहा है, ठीक है, तो हम तीनों को जुकाम हो रहा है, तो बेबी को भी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। अंकिता ने दवाई ले ली है, मैं भी दवाई ले लूंगा। एक शॉट लेना पड़ेगा, प्लीज गो। बोखला बिलाई मुझे मोल मोल खाओ, एक मुझे बच गो उन्हें तोल तोल खाओ। आने वाले मेहमानों के साथ हम ऐसा सुलूक करते हैं, उनको ऐसा खिलाते हैं, खाना जलाओ। ये देखिए मेहमानों का स्वागत, जली हुई ब्रेड से। स्वागत नहीं तो वो अलविदा कि अगली बार मत आना। अगली बार आओ तो सोच समझ के आना, इससे भी जली हुई खिलाएंगे। एक्चुअली हम लड़ रहे थे तीनों की मैं खाऊं जली हुई, इतनी टेस्टी थी। एक वाइट मोटे ने खाया, एक मैंने खाया, फिर स्वाति ने छीन के रख लिया कि नहीं मैं ही खाऊंगी, दिस इज नॉट आवर फॉल्ट। गांव के चौपाल पे बैठ के बताऊंगी सबको। हाँ तो क्या बताऊं, कैसे निकाल, ये तो बताया नहीं, बताया बेचारी, अपन ने पब्लिक जरूर कर दिया। अभी मोटे तो मिर्च डाल के करिए, ये हमारे पराठे लहसुन की चटनी स्वाति की मम्मी ने भेजी थी जो हमारी अब तक चल रही है। सब्जियाँ बची है सैंडविच शेक काटने के बाद, इसकी हम मैं मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बना दूंगी थोड़ी देर बाद। बचेगी तो ना। अच्छा ये खा जाओगे कोरी मोरी? हाँ। कौन खाएगा? रोटी में डाल के। मैं कच्ची सब्जियाँ खाने वाला लड़की देख लो। कच्ची सब्जी से मोटे होते हैं। कैलोरी तो मोटा करेगी करेगी, चाहे वो किसी से भी आ जाए, एक्स्ट्रा नहीं, इसमें बहुत कम आज चलता है। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं फटाफट हॉस्पिटल बेबी को लेके, मेरा ऑफिस का टाइम होने वाला है, उससे पहले पहुंचना। हम और हमारे बच्चे जो व्लॉग मैंने के लिए तत्पर हो रहा है, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि इसको जुकाम है, तो लंग्स में कंजेशन ना हो, इस बार इसको सबसे सीवियर जुकाम है तो दिखाने जा रहे हैं। और ये लड़का अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, इसलिए ये जुकाम इनको भी लगती है। सुबह से बिना ढूंढ रहे थे, नाक बहने वाला है लोग। ये हमारे छुटकू का लॉक टॉपस लटका हुआ है, इसी के लिए लगाया गया है ये, और ये पूरी गाड़ी को देख रही है गौर से, जैसे कि पता नहीं कहां आ गई। बच्चे को देखो बाहर घूमने निकला तो भी या तो ऑक्टोपस देखना है या ये कांच देखना है, इन्हीं में खुश रहता है मेरा बच्चा। देख रहा पैसे देख के। ओ पिला दो ओ मम्मा, ओ मेरी प्यारी प्यारी माँ, दूध पी के मैं मोटू हो जाऊंगा एक दिन जरूर माँ, अभी बदला सा मैं बच्चा, दूध नहीं पीता हूँ ठीक से माँ। भूख लगी है इसको। भूख लगी है? हाँ। पिला दो क्या थोड़ा? ये ब्रेस्ट फीडिंग रूम है पास में। है पास में? हाँ। तो स्वाति जा रही है आज, तो बेबी को खिला रही है, दोनों ने पिंक पिंक पहना, मैच हो रहा है। पर हम लेट हो गए थे डॉक्टर के पास आने से, तो मोटो ने वर्क फ्रॉम होम लिया है, ही इज वर्किंग देयर, किसी गंदे तरीके से पड़ा मोटा। और स्वाति को मेरी चाय की इतनी हैबिट हो गई है कि वो बोल रही है जान से पहले मैंने एक बार चाय पिला दे, तो मेरे घर जो भी आता है उसको मेरी चाय अच्छी लगती है। हालत ये है कि सुबह से घर में जितना दूध था पूरे दूध की सिर्फ चाय बनी है, मैंने सुबह से दूध नहीं पिया है, तो मैं अब दूध पीऊँगी, लेकिन मैं थोड़ी सी चाय भी पीऊँगी क्योंकि मैंने एक ही बार पी थी, इन लोगों ने दो बार पी ली, तो मोटे को भी जितनी बार बोलो चाय की ऑलवेज रेडी बनाती है, ले जा अपने ननिहाल चली जाएगी, तू रखेगी रख ले। अच्छी है यार, अच्छी है, पी सकते हैं। चलो मुंह सुखा के पूरा बेटा, पापा को तो अच्छी लगी। पीलो पीलो मेरे बेटे ने, वाह कितना बहादुर है भाई, ये सूख लगा रखा था इसने। हां शाबाश, भर दिया चपूच गए नीचे। दे दे दे, किसी उल्टी पड़ी। ओए ओ ओ ओ ओ ओ
क्या हुआ? आओ। ओहो। तीनों लोग अभी दबा के सो रहे हैं और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ अपने ऑफिस का। मेरे को मतलब इतना बुरा फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से अभी ऑफिस का कॉल आया, मैं बात कर रहा था और मेरे को डर भी लग रहा साथ साथ में कि अंदर उड़ जाएंगे। तो अब मैं धीरे धीरे फुसफुसा रहा, ऑफिस वाले पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे मैं ब्लॉग में धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। क्या करें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं और उनके घर वाले दिन में सोते हैं उनके साथ। हाय 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 गाइस, मेरा टकली मेरी टकली ने आकर खोल ली। आज टेबल की हालत आप देख सकते हैं क्या है, कितनी तो मेडिसिन पड़ी है बेबी की। और ये लड्डू आज मैं लड्डू खा के काम चलाऊंगी डिनर में। ये दूध टाइम हो रहा है 8:30। दो दिन से मैं सोई नहीं हूँ, मेरी आंखें देखो, आज मुझे सोना है। मोटो जिम गए जिम। ये मैडम शाम को 4 बजे से सो रही है, आज बहुत जल्दी उठाएगी मुझे, अभी सोना पड़ेगा 9 बजे तक। ये देखो इस छोटे से आदमी को सोता हुआ कितना प्यारा लगता है, और एक औरत को देखो सोते सोते हंस रही है। ये सच्ची है, माँ का और बच्चे का दोनों का जन्म होता है ना। देखो 2 दिन से बिल्कुल नहीं सो पा रही। क्यों? रात को ही सोता नहीं है तो क्या? तू अब सो जा, वैसे भी अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है ना, 10 बजने में सो जाओ। मेरी फ्रेंड स्वाति घर पहुंच चुकी है सही सलामत बिना टूटे फूटे। आज कितने बजे निकली थी वो? 4:30 निकली थी, 4:45 की बस थी, लेकिन 9 बजे को जाया घर पे, 9:45 पहुंच गए वो घर पे। शर्मिंदा। सो गाइस, ये मेरे बच्चे की पहली चुन्नी है, वो भी अपनी मम्मी की चुन्नी फाड़ के लिए। आज ना उसको टोपी पहना रखी थी, तो वे बेबी ने ना वो टोपी ऐसे निकाल के फेंकी, वो रिकॉर्ड होता तो आप लोग शॉक हो जाते। एकदम लग रही ना अंकिता जैसी। कॉपी। अले इसकी तो आंखें ढक गई, किसान लग रहा है। वैसे लावणी बहुत की हुई है इसकी, अंगड़ाइयाँ खत्म नहीं होती इसकी। हे गाइस, अभी भी रात के 10:30 बज चुके हैं और आज ट्यूसडे है, आज व्लॉग नहीं आया है, तो उसके लिए मुझे खेद है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, लाइफ बहुत बिजी चल रही है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि अपना शेड्यूल में शूट करूँ ताकि आप लोगों को पता लगे क्या चल रहा है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाहता। तो शेड्यूल शूट करना कैंसिल, कभी बाद में ही बताएंगे। और अंकिता और बेबी सोचो, एक बार चेक करके आता हूँ। देखो तो एक बार इनको, माँ बेटियों को एकदम एक जैसी दिखती है। लोग इनकी शक्ल किस किस से मिलाते रहते हैं, एक्सप्रेशन भी एक जैसा।